आप सभी का तपस्या क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं कि आज का हमारा विषय है रचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन, जो कि चैप्टर 11 है क्लास 10 के अंदर। और ये जो क्वेश्चन है रचना का, वो 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर बोर्ड के पेपर्स में पूछा जाता है। और ये 4 या 3 मार्क्स अगर बच्चे अच्छे से 1 या 2 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो अगर 4 नंबर में आएगा तो 4 नंबर बहुत अच्छे से आ सकते हैं, और 3 में भी आएगा तो 3 नंबर भी हमारे इसके अंदर पूरे पूरे मिल सकते हैं। और हमें 10वीं कक्षा में यही सोचना है कि हम किस तरह से एक एक नंबर को भी कलेक्ट करें ताकि हमारे स्कोर अच्छा हो सके गणित के अंदर या मैथ्स के अंदर। तो जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया कि 2 तरह के प्रश्न होते हैं, ट्रायंगल्स के ऊपर और टेंजेंट्स के ऊपर। तो आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए, वो टेंजेंट्स ड्रॉ करने के ऊपर आए हैं। टेंजेंट्स कई तरह से कंडीशंस होती हैं उसके अंदर, तो उसमें से एक कंडीशन आपके सामने है कि पहले मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ आपके लिए, कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसका, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखाएं, जैसे कि आप जानती हैं, स्पर्श रेखाएं वो रेखाएं होती हैं, यानी कि टेंजेंट्स आर दोज लाइंस विच टचेस द सर्कल ऑन अ पॉइंट ओनली। यानी कि स्पर्श रेखाएं वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर छूते हुए निकल जाती हैं। तो स्पर्श रेखाएं हमें बनानी है, यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं। अब बिंदु क्योंकि वृत्त के बाहर है, क्योंकि उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी है केंद्र से। तो ये बिंदु जो है वो वृत्त के बाहर है, वहां से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 2 टेंजेंट इसके ऊपर हम बना सकते हैं। तो पहले हम इसका एक रफ में अपने हिसाब से एक चित्र बना लें कि एक वृत्त है और ये कुछ इस तरह से चित्र बनेगा इसके अंदर। तो ये पॉइंट वो होगा जो कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे है, ये डिस्टेंस दे रखा है हमें। तो ये एक रफ सी फिगर हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हमारी जो फिगर है वो कुछ इस तरह की बनने वाली है, और इसको हम बनाना सीखते हैं। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको जो कि रचना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ पेंसिल, ये पेंसिल्स में हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ पा रहे हो तो ये पेंसिल 2H पेंसिल है, यानी कि लाइट चलेगी। ये HB पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल आप जो यूज करते हैं वो HB पेंसिल होती है। दिस इज ए हार्डर वन, 2H पेंसिल है, और ये हल्की चलती है। इसके अलावा मेरे पास और भी पेंसिल हैं, जैसे कि ये, इस पे ध्यान से देखें आप तो यहाँ पर ये 4H लिखा हुआ है, 4H की पेंसिल है ये उससे भी हल्की चलेगी। फर्दर एक और पेंसिल है मेरे पास जो कि 6H है, ये देखिए 6H है, 6H, ये बहुत ही लाइट चलेगी। इसका लेड ज़्यादा हार्ड होता है और पेपर पे बहुत ही हल्की चलती है ये हमारी H पेंसिल है, बाकियों के मुकाबले डार्क चलेगी। H सिर्फ इसका कोई नंबर नहीं है, सिर्फ H पेंसिल है ये। इसके अलावा मेरे पास एक ये 5H पेंसिल है जो कि 4H और 6H के बीच में आएगी। ये देखिए ध्यान से नंबर पढ़िए, यहाँ पे 5H है। और फिर एक ये F ग्रेड की पेंसिल होती है, दिस इज़ F ग्रेड पेंसिल, और F ग्रेड पेंसिल जो है HB से और HB और H के बीच में लाई करती है कहीं। अब ये लेड का डिफरेंस होता है इसके अंदर थोड़ा सा। ये हमारी 3B पेंसिल है, 3B ये ज़्यादा डार्क पेंसिल होगी,
HB से भी डार्क पेंसिल चलेगी, और ये एक पेंसिल 10B है, द डार्केस्ट वन। इसका लेड भी अगर आप देखेंगे तो ये लेड अगर आप सामने से देखेंगे तो ये देखिए कितना मोटा लेड है इसका, लेड बहुत मोटा है इसका। इसमें वुडन स्पेस कम है और लेड ही बहुत ज़्यादा मोटा है। बहुत सॉफ्ट पेंसिल होती है, बार बार शार्प करने पे टूट जाती है। ऐसे ही मेरे पास ये एक कौन सी है, 8B पेंसिल आई थिंक, ये विजिबल नहीं हो पा रहा है, 8B पेंसिल है, ये 4B है, 8B है। तो हमारे पास डिफरेंट पेंसिल्स हैं और इसका बहुत ही उपयोग होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंस्ट्रक्शन में हमें जो चीज़ें ध्यान में रखनी हैं वो अभी जब मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा तो बताऊँगा आपको। हाँ, तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो प्रश्न था वो था कि सबसे पहले 4 सेंटीमीटर जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर का, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो हमें ध्यान क्या रखना है कंस्ट्रक्शन करते हुए कि जो चीज़ हमें ड्रॉ करनी है, जो उसने बोला है, वो चीज़ हमारी डार्क होनी चाहिए, HB पेंसिल से बननी चाहिए। बाकी जो भी हेल्पिंग फिगर्स होंगी या जो भी हम हेल्प के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे वो लाइट होना चाहिए, वो नज़र कम आना चाहिए। और जो हमारी एक्चुअल फिगर है वो, जैसा कि ये फिगर है, ये ऐसे डार्क नज़र आना चाहिए, बाकी हेल्पिंग फिगर जो है वो लाइट नज़र आना चाहिए। तो पहले, सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। सर्कल उसने बोला है कि 4 सेंटीमीटर का सर्कल, इट इज़ गिवन टू मी, तो मैं यहाँ से मेजरमेंट लूँगा स्केल से और 4 सेंटीमीटर कंपस को ओपन करके, प्रकार को मैंने 4 सेंटीमीटर खोल लिया है ये, और 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद मैं अब इसको सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। कोशिश करनी है कि पेंसिल बड़ी हो तो वो एक ही स्ट्रोक में आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए सर्कल मेरा कंप्लीट हो गया है, और जब सर्कल कंप्लीट हो गया है तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा फोकस करवाना चाहूँगा कि ये जो ओवरलैपिंग आई है दो जगह पे, कोशिश करना है कि हमें ये ओवरलैपिंग ना आए, इसलिए पेंसिल को बड़ा रखें कंपस में और एक ही बार में इसको घुमाना है ताकि ये ऊपर बार बार ना चढ़े, और नीडल को हिलने नहीं देना आपको। अब दूसरी कंडीशन इसमें ये थी कि मेरा एक पॉइंट है जो कि 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये मेरा सेंटर आ गया सर्कल का, इसको मैं नेमिंग दे दूंगा ओ, ये मेरा सेंटर हो गया। यहाँ से मुझे 10 सेंटीमीटर अवे, अब कहीं पे भी मैं ले सकता हूँ 10 सेंटीमीटर, ज़रूरी नहीं है मैं राइट हैंड साइड पे जाऊँ, मैं लेफ्ट पे, अगर मेरे पास जगह है तो लेफ्ट में भी, नीचे जगह है तो नीचे, ऊपर, कहीं पे भी हम 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है। हम ऐसे तिरछा भी ले सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट भी ले सकते हैं, उसके लिए हमें कंपल्शन नहीं है, हम ऐसे भी ले सकते हैं अगर हमारे पास जगह ऐसे बन रहा है। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर हमें एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को मैं मार्क करूँगा HB पेंसिल से ही, और HB पेंसिल से जब मैंने इसको मार्क किया, सेंटर पे मैंने 0 को रखा, ये देखिए सेंटर पे मैंने 0 को रखा है, और फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ये मेरा 10 सेंटीमीटर है ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं मिलाऊंगा थोड़ा लाइट पेंसिल से। मैं H पेंसिल उठाने की कोशिश करता हूँ, कोई H पेंसिल मेरे हाथ में आ जाए, ये 2H पेंसिल है मेरे पास, तो 2H पेंसिल को, क्योंकि इट्स नॉट ए पार्ट, ये लाइन जो है ये लाइन मेरी कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, ये डिस्टेंस तो मेरी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ये पॉइंट तो मेरी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको HB से मार्क किया है, लेकिन ये लाइट मेरे लिए हेल्पिंग लाइन है, इसलिए मैं इसको लाइट बनाऊंगा, मैंने इसको लाइट बनाया। बाकी के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ये हल्की बनी है लाइन, डार्क नहीं है। अब मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है कि मुझे इसका मिड पॉइंट लेना है, तो मिड पॉइंट मैं डायरेक्ट स्केल से नहीं लूँगा, यहाँ पे मिड पॉइंट लेने के लिए मैं इस पॉइंट को पहले P नाम दे देता हूँ, एक ये पॉइंट P है मान लो, इस पॉइंट P से और O के बीच में हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर का गैप है, तो मैं कोशिश करूँगा
क्योंकि 10 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस ये 6 सेंटीमीटर होगा। 10 में 4 अगर घटाऊंगा तो 6 होगा, तो मुझे 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा प्रकार को खोलना है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा खोलना है, ध्यान रखना है। तो 5 सेंटीमीटर अगर मैं सर्कल को टच कर दूं तो 6 सेंटीमीटर हो जाता है, जो कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मुझे 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा प्रकार खोलना है और एक हल्की सी आर्क लगानी है ऊपर और नीचे। ये मैंने हल्की सी आर्क लगाई है, देखिए मैंने लाइट बनाने की कोशिश की है, डार्क नहीं कर रहा, क्योंकि आपको नजर आए इसलिए थोड़ा डार्क करना पड़ रहा है, नहीं तो इसको लाइट बनाना है आपको। ये मैंने इस तरफ से पी पॉइंट से केंद्र बनाकर, सेंटर बनाकर, और मैंने एक आर्क खींची, कंपस को मैंने 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा खोला। अब मैं उतना ही कंपस लेके ओ पे जाऊंगा, ओ पे जाके जो पहले वाली आर्क है इसको काटूंगा, बस ये मैंने इसको काट दिया, देखिए मैंने काट दिया इसको, दोनों आर्क कट गई हैं। अब इन दोनों आर्क को मिलाते हुए, क्योंकि अब फिर ये मेरे पास क्या है, एक कंस्ट्रक्शन है, हेल्पिंग फिगर है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पर फिर 2H की पेंसिल ली है मैंने, लाइट पेंसिल ली है, और इन दोनों पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ रूलर मैं पहले ऐसे मिलाऊंगा, स्केल से टच करूंगा, और दोनों पॉइंट जब आ जाएंगे तो मैं इसको हल्की सी ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं इसको, लंब समद्विभाजक किया है मैंने, ओपी का लंब समद्विभाजक किया है। अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, मैं इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देता हूँ। आपको डार्क नहीं करना है, आपको डार्क नहीं करना है, मैं आपके लिए डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी नज़र आए। ये मैंने इसको डार्क कर दिया, अब उम्मीद है आपको नज़र आ रही होगी ये। अब मुझे क्या करना है, प्रकार यानी कि कंपास को लेना है, जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पर मुझे नीडल को रखना है कंपास की, ओ तक खोलना है, ओ तक खोल के मुझे पहले चेक करना है कि ये पी को भी टच करे, ये देखिए पी को भी टच कर रहा है, अभी पी को भी टच कर रहा है और ओ को भी टच कर रहा है, तो मैं अब यहाँ पे एक हल्का सा सर्कल पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ये भी हल्का बनाना है आपको, बहुत लाइट बनाना है, डार्क नहीं करना है इसको, आपके लिए मुझे डार्क करना पड़ रहा है कि आपको नजर आ जाए ये। अब मेरे पास आराम से स्पर्श रेखाएं तैयार हो जाएंगी। अब स्पर्श रेखा बनाने के लिए मैं फिर से थोड़ी डार्क पेंसिल लेता हूँ, HB पेंसिल से काम चल जाएगा, पॉइंट P पर पेंसिल रख के, और ये जो एक पॉइंट आया जहाँ पे इस वाले पहले वाले सर्कल को दूसरे वाले सर्कल ने काटा है, इसको मिलाते हुए मैं लाइन को सीधा ड्रॉ कर दूंगा, ये मेरी एक स्पर्श रेखा बन गई। ऐसे ही मैं दूसरी तरफ करूंगा, इस पॉइंट को मिलाऊंगा पहले, इसको मिलाते समय ध्यान रखना है कि वो पॉइंट वही हो जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो वो सर्कल को काटता हुआ चला जाएगा और वो स्पर्श रेखा नहीं सीकेंट बन जाएगा, छेदक रेखा बन जाएगी ये। अब आप देखिए ये हमने दो स्पर्श रेखाएं बना दी है, PA और PB, इस पॉइंट को भी कोई नाम देना हो दे दीजिए आप, D दे दीजिए। तो इस तरह से आपको दो स्पर्श रेखाएं मैंने 10 सेंटीमीटर दूर से बना दी, जो कि 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल है मेरा, वहाँ पर एक P पॉइंट लिया पहले जो 10 सेंटीमीटर दूर था, फिर वहाँ से उसका मैंने लंब समद्विभाजक किया है, लंब समद्विभाजक करने के बाद में मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि ओ और पी से छूता हुआ और पहले वाले वृत्त को काटता हुआ चला गया, जहाँ पर उसने वृत्त को काटा वो पॉइंट ए और बी हो गए, फिर मैंने पी ए को और पी बी को ज्वाइन कर दिया, ये मेरी स्पर्श रेखाएं बन के तैयार हो गई। उम्मीद है आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और साफ सुथरा जब बनने लग जाएगा तो पेपर में इसको बना के आएंगे,
तो आपको पूरे अंक इसमें मिल जाएंगे। धन्यवाद। मेरा अगर ये काम पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।